A very good morning to all of you, Vijay. Today we will start with our exercise 2.2. Before that, we had discussed last formula that you are to make a prediction in that. Usme maine sign inverse wale jo aapke formulae karwaye the, I hadn't put a root sign over there to make the correction in that. This is half of cos inverse x is equal to साइन इनवर्स, यहाँ पे रूट का सिंबल आना है, दैट आई हैड स्किप्ड यस्टरडे. तो यहाँ जो था आपका 1 माइनस एक्स के ऊपर रूट का साइन डाल लो, मेक द करेक्शन ओवर हियर. इन द टैन इनवर्स आल्सो मेक द करेक्शन ओवर हियर, दिस इज टैन इनवर्स. यहाँ पे भी ये रूट का साइन जो है ये आपने डालना है, दिस इज 1 माइनस एक्स अपॉन 1 प्लस एक्स. ने लास्ट में दो फॉर्मूले डिस्कस किए थे, मेक द करेक्शन इन दीज टू फॉर्मूले. हाफ ऑफ कॉस इनवर्स एक्स इज इक्वल टू साइन इनवर्स, ये रूट का सिंबल नहीं डाला था कल, यहाँ पे रूट का सिंबल डाल लो और टैन इनवर्स वाले में भी रूट का सिंबल आपका आएगा. सो मेक दीज टू करेक्शन एंड देन वी विल स्टार्ट विद आवर एक्सरसाइज 2.2. लास्ट के टू फॉर्मूले, दीज आर द लास्ट टू फॉर्मूलास, मेक द करेक्शन इन दीज. आई होप यू वुड हैव मेक द करेक्शन. नाउ जस्ट डिस्कसिंग एक्सरसाइज 2.2 क्वेश्चन नंबर 1. कहीं आपके वो भी फॉर्मूले हो जाएंगे जो हमने डिस्कस किए हुए, मीन्स मैंने जिनको एज अ डायरेक्ट आपको रिजल्ट लिखवा दिया है. फर्स्ट क्वेश्चन है हमारा, ये हम डिस्कस कर भी चुके हैं. दिस इज 3 साइन इनवर्स एक्स इक्वल टू, ये हमने प्रूव करना है दैट दिस इज इक्वल टू साइन इनवर्स 3x माइनस 4x क्यूब, वेयर x बिलोंग्स टू माइनस 1/2 to 1/2. हमने ऐसे क्वेश्चंस में क्या करना है, x की वैल्यू जो है वो पुट करनी है. हम यहाँ पुट करेंगे x इज इक्वल टू साइन थीटा, यहां से आपका थीटा जो है दैट विल बी साइन इनवर्स x. अब हम राइट हैंड साइड लेके चल रहे हैं, तो दिस इज साइन इनवर्स, ये बन जाएगी आपकी 3 साइन थीटा माइनस 4 साइन क्यूब थीटा. ये हमारा जो है फॉर्मूला 3 साइन थीटा माइनस 4 साइन क्यूब थीटा जो है, दिस इज द फॉर्मूला फॉर साइन 3 थीटा. अब यहाँ पे अगेन क्या होगा, साइन इनवर्स और साइन आपके कैंसिल आउट हो जाएंगे, वी आर लेफ्ट विद 3 थीटा. कैंसिल करके नहीं दिखाना है इनको, सो 3 हमारा क्या है, दैट इज साइन इनवर्स x. So this is equal to 3 sine inverse x. और जो आपका x है वो condition यही रहेगी इसकी कि that belongs to minus 1/2 to 1/2. यानी कि सिर्फ ये जो आपका result है that is valid for this interval. जिन बच्चों ने late join किया है for them I am just telling this again, कल हमने half cos inverse x का साइन इनवर्स की जो है टर्म्स में फॉर्मूला यूज किया था, मेक द करेक्शन हियर, दैट इज रूट का साइन नहीं डाला था, यहाँ पे इसके ऊपर रूट का साइन डाल लो और इधर में भी रूट का साइन नहीं डाला था, वो आपने रूट का साइन डालना है. दोस्त हु हैव जॉइंड लेट, प्लीज मेक दिस करेक्शन, टैन इनवर्स रूट साइन इनवर्स रूट, रूट नहीं डाला था रूट डाल लो, जहां पे भी आपने कहीं फॉर्मूले लिखे हैं मेक दिस करेक्शन. अब सेकेंड क्वेश्चन जो है वो आपका बिल्कुल सेम है इसी वे में, वहां पे आप x को cos थीटा पुट करोगे, बाकी सभी आपका मेथड सेम है, तो दैट यू विल डू योरसेल्फ, दैट इज योर होमवर्क पार्ट. थ्री नाउ आई एम डिस्कसिंग, प्रूव दैट tan इनवर्स 2/11 प्लस tan इनवर्स 7/24 इज इक्वल टू tan इनवर्स 1/2. 2/11 7/24 1/2. अब इसमें अगर आप वैल्यूज देखो
तो आपका जो एक्स है दैट इज लेस देन वन है, पॉजिटिव है, एक्स ग्रेटर देन जीरो है, यहाँ पे भी ये पॉजिटिव है, एक्स ग्रेटर देन जीरो है, और इनका जो प्रोडक्ट है 2/11 इंटू 7/24, यानी कि एक्स इंटू वाई की जो वैल्यू है दैट इज लेस देन वन, यानी कि जो आपकी एक्स वाई की वैल्यू है दैट इज लेस देन वन. जब आपकी एक्स वाई की वैल्यू लेस देन वन है तो हम क्या फॉर्मूला यूज करते हैं, टैन इनवर्स एक्स प्लस टैन इनवर्स वाई इज इक्वल टू, दिस इज इक्वल टू टैन इनवर्स एक्स प्लस वाई अपॉन वन माइनस एक्स वाई. अब क्योंकि अगेन यहाँ पे हमारा जो इन दोनों का प्रोडक्ट है दैट इज लेस देन वन, तो हम ये वाला फॉर्मूला यूज करेंगे. सो दिस इज टैन इनवर्स एक्स की जगह हमारे पास आ जाएगा 2/11, वाई की जगह 7/24, एक्स प्लस वाई अपॉन में हमने लेके चलना है वन माइनस. सो दिस इज वन माइनस 2/11 इंटू 7/24, ये मल्टीप्लाई का साइन है, ये ध्यान रखना. नाउ दिस इज इक्वल टू टैन इनवर्स, एलसीएम ले लेंगे हम 11 और 24 का, दैट इज 264. इनको और इनको आप मल्टीप्लाई कर दोगे तो 48 प्लस 77 ये न्यूमिरेटर हो गया, डिनोमिनेटर 264 माइनस 14 अपॉन 264, ये 264 आपका कैंसिल आउट हो जाएगा, 125 एंड 250 विल गिव यू 1/2, that is your RHS. यही चीज हमें शो करनी थी, that tan inverse 2/11 plus tan inverse 7/24 is equal to tan inverse 1/2. तो इस तरह के questions में आपको बस ये ध्यान रखना है, जो ये conditions लिखवाई थी वो आपकी satisfy जिस उस पे हो रही है formula पे, that you are to take. तो अब xy हमारा less than 1 था, तो direct है ये tan inverse x plus y upon 1 minus xy, values put करो, simplify करो, and you will get your answer. Now moving on to question number 4. Ab question number 4 mein hame 2 tan inverse 1/2 diya hai. हम क्या करेंगे, 2 tan inverse 1/2 को we can rewrite as tan inverse 1/2 plus tan inverse 1/7 as it is, या 2 tan inverse का जो है 2 tan inverse x का फॉर्मूला भी लगा सकते हो यहाँ पे डायरेक्ट tan inverse वाला. tan inverse 2 tan theta upon 1 minus tan square theta वाला फॉर्मूला भी आप लगा सकते हो, अदरवाइज नॉर्मली जो है नहीं दिमाग में आता तो आप इस तरीके से भी इसको लेके चल सकते हो. तो यहाँ पे tan inverse a plus tan inverse b वाला फॉर्मूला लग जाएगा, यानी कि tan inverse x plus tan inverse y वाला फॉर्मूला लग जाएगा. इन दोनों का जो प्रोडक्ट है दैट इज लेस देन 1, तो यही वाला फॉर्मूला आपका यूज होगा. दिस इज tan inverse हाफ half upon one upon 3/4, so this is 4/3. Tan inverse आगे लगेगा हर एक पे. तो आप चाहो तो यहाँ पे direct formula भी लगा सकते हो 2 tan inverse x का. That is up to you कि how you want to do this. अब ये मेरे पास tan inverse 4/3 है. अब ये इससे रिप्लेस कर दोगे tan inverse 4/3, ये as it is हमने ये प्रूव करना है. अब अगेन यहाँ पे tan inverse x plus tan inverse y का फॉर्मूला लगा दोगे, वैल्यूज दोनों का प्रोडक्ट अगेन लेस देन वन है 4/3
4 by 3 plus 1 by 7 upon 1 minus 4 by 3 into 1 by 7. So this is tan inverse. LCM le loge 28 plus 3 by 21 upon 21 minus 4 upon 21. Ye cancel out ho jayega. This is tan inverse 31 by 17. That is your RHS. After this, question number 5. Write in the simplest form. X not equal to 0 means function is defined. तो जो भी आपका है ये हमें इसको सिंपलेस्ट फॉर्म में लिखना है. तो जब इस तरीके से आपका गिवन होता है रूट में 1 प्लस एक्स स्क्वायर गिवन होता है तो हम वहां पे x को क्या पुट करते हैं tan थीटा, क्योंकि हमें पता है tan या cot कुछ भी पुट कर सकते हो. 1 प्लस tan स्क्वायर थीटा का फॉर्मूला होता है, 1 प्लस cot स्क्वायर थीटा का फॉर्मूला होता है. तो दोनों में से आप किसी भी फॉर्म में उसको पुट कर सकते हो. एक चीज का आपने यहाँ ध्यान रखना है कि क्योंकि बाहर tan इनवर्स है तो हमें जो सिंपल जब इसको लिखना है तो अंदर tan की टर्म्स में ही उसको हमने बनाना है. तो हम यहाँ पे क्या करेंगे, x को tan थीटा पुट करेंगे. अब जब आप इसको x को tan थीटा पुट करोगे तो ये हमारा बन जाएगा tan इनवर्स 1 प्लस x स्क्वायर की जगह आ जाएगा रूट में 1 प्लस tan स्क्वायर थीटा. जहां जहां आपका x है वहां वहां आप tan थीटा से रिप्लेस. अब रूट वन प्लस टैन स्क्वायर थीटा इज रूट वन प्लस सीकेंट रूट सीकेंट स्क्वायर थीटा. रूट और स्क्वायर आपका कैंसिल आउट हो जाएगा. सो वी आर लेफ्ट विथ टैन इनवर्स सीकेंट थीटा माइनस वन टैन थीटा. ब्रैकेट ऑप्शनल है, ये आप नहीं भी लगाओगे देन ऑल्सो इट इज. अब मुझे जो है कन्वर्जन करनी है इसकी tan की टर्म्स में, तो मैं क्या करूंगी यहाँ पे इनको sin cos में कन्वर्ट कर. तो tan इनवर्स secant theta is 1 by cos theta minus 1 upon this is sin theta by cos theta. LCM ले लेंगे 1 minus cos theta upon cos theta upon में sin theta upon cos theta. cos theta denominators में से cancel out हो जाएगा. हमारे पास क्या रह गया, 1 minus cos theta upon sin theta. अभी भी इसमें कुछ भी हमारे पास जो है वो cancellation नहीं हो रही, तो हम इनको इनके half of the angles में convert कर लेंगे. तो tan inverse 1 minus cos minus है तो this will be 2 sin square theta by 2 and sin half of the angle वाला formula 2 sin half of the angle cos half of the angle. साइन थीटा बाई टू और स्क्वायर कट जाएगा, टू से टू कट जाएगा. व्हाट वी आर लेफ्ट विथ साइन थीटा बाई टू अपॉन कॉस थीटा बाई टू. तो दिस इज टैन इनवर्स साइन थीटा बाई टू कॉस थीटा बाई टू अपॉन में है जब, तो दिस इज टैन थीटा बाई टू. तो टैन और टैन इनवर्स आपका विल गेट कैंसल. वी आर लेफ्ट विथ थीटा बाई टू. अब x equal to tan theta का मतलब क्या है, theta is equal to tan inverse x. So this is half of, ये वाला half मैंने बाहर ले लिया, theta को replace कर दिया, tan inverse x. So इसकी जो simplest form बनेगी, that is half of tan inverse x. हमने क्या किया, tan inverse वाली फॉर्म थी हमारे पास रूट वन प्लस एक्स स्क्वायर माइनस वन अपॉन एक्स. हमने जब वन प्लस एक्स स्क्वायर वाली फॉर्म होती है तो एक्स को हम रिप्लेस करते हैं या टैन थीटा से या कॉट थीटा से. टैन इनवर्स वाला था तो हमने टैन से कम इसको रिप्लेस कर दिया, तो थीटा यहाँ से टैन इनवर्स एक्स आ जाएगा. अब इसमें हम एक्स को रिप्लेस करेंगे टैन थीटा से. वन प्लस टैन स्क्वायर थीटा को रिप्लेस किया सिकेंड स्क्वायर थीटा से. स्क्वायर और रूट कैंसिल आउट होके सिकेंड थीटा रह गया. माइनस वन अपॉन टैन थीटा एज इट इज. सिकेंड और टैन को हमने कन्वर्ट किया साइन कॉस की टर्म्स में, रीराइट किया हमने इनको. एलसीएम लिया, जो कैंसिलेशन हो रही थी डिनोमिनेटर में दोनों जगह पे कॉस थीटा था, कैंसिल आउट कर दिया. वी आर लेफ्ट विद वन माइनस कॉस थीटा अपॉन साइन थीटा. वन माइनस कॉस थीटा का फॉर्मूला जो है रिप्लेस किया
टू साइन स्क्वेयर हाफ ऑफ द एंगल से साइन थीटा का फॉर्मूला रिप्लेस किया, टू साइन हाफ ऑफ द एंगल कॉस हाफ ऑफ द एंगल, एंगल यहाँ पे थीटा था तो उसका हाफ थीटा बाय टू आ गया, टू और टू कैंसिल आउट हो गया, साइन थीटा बाय टू ऊपर स्क्वायर था तो एक कैंसिल कर दिया, एक रह गया, तो साइन थीटा बाय टू अपॉन कॉस थीटा बाय टू, दिस इज टेन थीटा बाय टू, टेन इनवर्स और टेन आपके रिमूव हो गए, तो वी आर लेफ्ट विथ थीटा बाय टू, थीटा जो है वो टेन इनवर्स एक्स था, टेन इनवर्स एक्स बाय टू कैन बी री रिटन एज हाफ ऑफ टेन इनवर्स एक्स, तो दिस वॉज योर क्वेश्चन नंबर फाइव. इसी तरीके से सिंपलेस्ट फॉर्म में लिखने हैं आपने क्वेश्चन नंबर सिक्स में, तो दैट इज योर होमवर्क पार्ट. क्वेश्चन नंबर सिक्स में देखो, अब यहाँ पे रूट ऑफ एक्स स्क्वायर माइनस वन, एक्स स्क्वायर माइनस वन में मुझे पता है जो मेरे फॉर्मूला बनता है वो या सीकेंट स्क्वायर थीटा माइनस वन या कॉस एक्स स्क्वायर थीटा माइनस वन वाली फॉर्म मिलेगी, तो हमने क्या करना है यहाँ पे कॉट इनवर्स वन ऑफ ऑन रूट एक्स स्क्वायर माइनस वन है, यहाँ पे आप एक्स को सीकेंट थीटा पुट कर, और जहां पे tan inverse वाली फॉर्म है वहां पे आप क्या पुट कर दोगे उसको cosec theta पुट कर दोगे, तो these parts बाकी सारा इसी तरीके से आप simplify कर लोगे, so that you will do yourself. Now moving on to question number 7. Question 7 भी वैसे आपको अगर आपने trigonometry वाले फॉर्मूले लर्न किए हुए हैं तो यू कैन इजिली डू, क्योंकि उन्हीं से आपके ये जो इनवर्स वाले फॉर्मूले हैं वो डिराइव. अब क्वेश्चन नंबर 7 में आई एम हैविंग tan inverse रूट वन माइनस कॉस एक्स अपॉन रूट वन प्लस कॉस एक्स, तो अगर आपको रूट वन माइनस कॉस एक्स वन माइनस कॉस एक्स और वन प्लस कॉस एक्स का फॉर्मूला याद है तो यू कैन इजीली डू दिस. वन माइनस कॉस एक्स को हम क्या करते थे, वी यूज टू रिप्लेस दिस विद टू साइन स्क्वायर एक्स बाय टू, और वन प्लस कॉस एक्स को हम रिप्लेस करते थे टू कॉस स्क्वायर हाफ ऑफ द एंगल, एंगल एक्स है तो एक्स बाय टू आ जाएगा, तो यहाँ पे हम रिप्लेसमेंट कर देंगे इनकी, टैन इनवर्स ये रूट का साइन आपका एज इट इज रहेगा, यहाँ आ जाएगा टू साइन स्क्वायर हाफ ऑफ द एंगल, टू कॉस स्क्वायर हाफ ऑफ द एंगल, एंगल आपका एक्स था उसका हाफ इज एक्स बाय टू, अब टू से टू आपका कैंसिल आउट हो जाएगा, साइन बाय कॉस टेन हो जाएगा, दोनों स्क्वायर्स में है तो दिस विल बी टेन स्क्वायर एक्स बाय टू, अब स्क्वायर रूट लोगे जब स्क्वायर का तो दैट विल बी टेन ऑफ एक्स बाय टू, अब टेन इनवर्स ऑफ टेन है अगर आपका दैट इज इक्वल टू x by 2, tan inverse of tan theta is equal to theta, आगे आपकी जो condition है कि that should be less than pi, तो वो इसको satisfy कर रही है, तो आपका जो answer है simplify होके that is equal to x by 2. Next question में again इसी तरीके से आपने करना है, condition क्या given है, x less than pi आपको given, तो cos x minus sin x upon cos x plus sin x, दोनों टर्म्स को यानी कि न्यूमिरेटर को भी और डिनोमिनेटर को भी आप cos x से डिवाइड कर दोगे, वहां पे आपका फॉर्मूला बन जाएगा, then tan inverse और tan cancel out होके you will get your answer. Now question number 9, question 8 is again your homework part. Question number 9, and after doing your homework parts, जो ये आज का होमवर्क है you will send your PDFs to me for the homework part only. Now question number 9. Tan inverse x upon root a square minus x square. हमें प्रूव करना है that this is equal to sine inverse x upon a. जब हमारे पास रूट वन माइनस एक्स स्क्वायर वाली फॉर्म आ जाती है, रूट के साथ वन में से एक्स स्क्वायर माइनस हो रहा है या ए स्क्वायर में से एक्स स्क्वायर माइनस हो रहा है, पहले आप वन में से देखो, जब वन माइनस एक्स स्क्वायर हो रहा है तो हमने क्या करना है, एक्स को पुट कर देना है साइन, और जब यहाँ पे ये जैसे यहाँ पे है रूट ए स्क्वायर माइनस एक्स स्क्वायर आ रहा है, उस केस में हमने क्या करना है, एक्स को पुट कर देना है ए साइन, अगर यहाँ पे a है या a के अलावा कुछ भी है, मान लो c square, d square, कुछ भी है, तो sin theta के आगे आपने वही लेटर यूज करना है। a जो है वो यहाँ पे ऐसा कांस्टेंट ट्रीट होगा, a square minus x square था, तो हमने क्या किया, a को जब भी रूट वन माइनस एक्स स्क्वायर रूट ए स्क्वायर माइनस एक्स स्क्वायर वाली फॉर्म आ रही है तो a sin theta या a cos theta पुट किया जाता है यहाँ पे, क्योंकि हमें sin inverse की टर्म्स में आंसर देना है, so I'm just using, I'm just putting this equal to sin theta. यहाँ पे क्योंकि a square भी है,
तो यहां मैं क्या करूंगी, x को a sin थीटा, सो पुट x इज इक्वल टू a sin थीटा, तो यहां से x अपॉन a इज इक्वल टू sin थीटा हो जाएगा, यानी कि sin इनवर्स से जब मैं प्री मल्टीप्लाई करूंगी तो थीटा जो है दैट विल बी इक्वल टू sin इनवर्स x अपॉन a, ये चीज मुझे प्रूव करनी, यानी कि अगर मैं इस पूरे को इक्वल टू थीटा पुट कर दूं तो आई विल गेट माय रिजल्ट। तो इसके लिए हम क्या करेंगे, पुट कर रहे हैं हम x को a sin थीटा, तो रिप्लेस कर दो tan इनवर्स, जहां जहां x है वहां वहां a sin थीटा, ये चीज आ गई। अब इसको सिंप्लीफाई कर लो, tan इनवर्स a sin थीटा अपॉन a स्क्वायर कॉमन ले लेंगे, क्या रह गया यहाँ पे 1 माइनस sin स्क्वायर थीटा, 1 माइनस sin स्क्वायर थीटा किसके इक्वल होता है, cos थीटा के, तो दिस इज a स्क्वायर, 1 माइनस sin स्क्वायर थीटा वी विल रिप्लेस विद cos स्क्वायर थीटा, so this is tan inverse, अब रूट हटा देंगे हम, तो a square का root a, cos square theta का root cos theta, a से a आपका cancel out हो जाएगा, what we are left with tan theta, तो tan inverse of tan theta this is equal to theta, और theta हमने ऊपर किसके equal show किया है, sin inverse x by a, so this is your right hand side, so this is your answer। हमने क्या किया, x को a sin theta put किया, तो x ये वाला a हम इधर ले गए, this becomes x by a equal to sin theta, ये आप सीधा ऐसे भी लिख सकते हो, put x upon a equal to sin theta, that will also, then free multiplying both sides with sin inverse x by a equal to क्या आ जाएगा हमारे पास theta, यहाँ पे हमने x को a sin theta से replace किया, then a square common लेके 1 minus sin square theta को replace किया cos square theta से, इन दोनों का root लेके a cos theta आ गया, a दोनों numerator denominator में cancel out हो गया, sin theta upon cos theta we know that is tan theta, बाहर tan inverse था, तो tan inverse of tan x is x, तो theta आ गया यहाँ पे, theta हम already यहाँ show कर चुके हैं, x by a इसको 1 ले लो, तो यहाँ आप using 1, so this is your RHS. Then question number 10. Question number 10 में देखो, अगर आप देखो तो ये फॉर्मूला आपका जो है आपके माइंड में स्ट्राइक करेगा, tan 3 थीटा वाला फॉर्मूला, तो इट मींस आपने क्वेश्चन नंबर 10 में x को a tan थीटा पुट करना, सो दिस इज अगेन योर होमवर्क पार्ट, आपने क्या करना है, क्योंकि 3 a स्क्वायर x माइनस x क्यूब अपॉन a क्यूब माइनस 3 a x स्क्वायर गिवन है आपको, और आपका जो tan 3 थीटा का फॉर्मूला होता है वो क्या होता है, 3 tan थीटा माइनस tan क्यूब थीटा अपॉन 1 माइनस 3 tan स्क्वायर थीटा, यानी कि a को अगर आप इग्नोर करो तो आपने क्या करना है, x को a tan थीटा पुट कर देना है, वो सभी टर्म्स आपकी बैलेंस हो जाएंगी, a वाली न्यूमरेटर डिनोमिनेटर में से कॉमन लेके कैंसिल आउट हो जाएंगी, आपके पास tan 3 थीटा का फॉर्मूला रह जाएगा, सो दिस इज योर अगेन होमवर्क पार्ट। नाउ मूविंग ऑन टू क्वेश्चन नंबर 11, tan इनवर्स 2 cos 2 sin inverse 1 by 2, इसकी वैल्यू हमें फाइंड आउट करनी है, tan इनवर्स 2 cos 2 sin इनवर्स 1 by 2, अब देखो sin इनवर्स 1 by 2 जो है that is pi by 6, तो इसको मैं रिप्लेस कर दूंगी पाई बाय 6, ये 2 एज इट इज, साइन इनवर्स हाफ, क्योंकि आपको पता है साइन पाई बाय 6 जो है दैट इज इक्वल टू हाफ, तो प्री मल्टीप्लाइंग बोथ साइड्स बाय साइन इनवर्स, आपके पास यहाँ पे क्या आ जाएगा, साइन इनवर्स जो है 1 बाय 2 इज इक्वल टू पाई बाय 6, तो यहाँ पे मैं इसको रिप्लेस कर दूंगी पाई बाय 6, ये कैंसिल आउट हो जाएगा, टैन इनवर्स 2 into cos of pi by 3. Cos pi by 3 means 60 degree. Cos 60 पे आपकी वैल्यू क्या होती है, 1 by 2.
this is tanning us 2 into 1 by 2. Yeah, again cancel out. Okay, kya rahe gaya humare paas? Tan inverse 1. Tan inverse 1. Tan ki value 1 kahan pe hoti hai? Pi by 4 pe. So this is our answer. तो जो आपको गिवन है अकॉर्डिंगली आपने कैलकुलेशंस करनी है. पहले साइन इनवर्स 1 बाय 2 की वैल्यू पुट कर दी, वो 2 से मल्टीप्लाई हो रहा था तो पाई बाय 3 रह गया. कॉस ऑफ पाई बाय 3 की वैल्यू पुट की 1 बाय 2, फिर ये 2 से मल्टीप्लाई हो रहा था तो कैंसिल आउट होके 1 रह गया. टेन इनवर्स 1 इज पाई बाय 4. नेक्स्ट क्वेश्चन में दिस इज यहाँ पे अगेन हमारा डायरेक्ट फॉर्मूला यूज हो रहा है. cot of tan inverse a plus cot inverse a. हमने फॉर्मूला किया हुआ है tan inverse x plus cot inverse x. जब ये एंगल सेम होता है यहाँ पे और tan inverse और cot inverse का प्लस में कॉम्बिनेशन होता है, then this is equal to pi by 2. तो इसको हम रिप्लेस कर देंगे pi by 2 से and cot pi by 2 जो है that is equal to 0. So this your answer will be equal to 0. So this was your question number 12. अब question number 13 is an important question. ये ध्यान से करना. इस चैप्टर में बच्चे हमारे ना एक्स्ट्रा क्वेश्चंस भी काफी सारे बनते हैं, तो डेली के मैं 3-3 या 4-4 आपको एक्स्ट्रा क्वेश्चंस इसके सेंड करूंगी, दैट यू विल ट्राई. और जो आपके डाउट्स होंगे दैट यू कैन आस्क द नेक्स्ट. टेन ऑफ हाफ ऑफ साइन इनवर्स 2x अपॉन 1 प्लस एक्स स्क्वायर प्लस हाफ ऑफ कॉस इनवर्स 1 minus y square upon 1 plus y square. We have to prove that this is equal to x plus y upon 1 minus xy, where xy is less than 1. xy less than 1 है, या फिर आपको ये भी आ सकता है कि x lies between minus 1 to plus 1, मतलब mod of x less than 1, या फिर y greater than 0. या फिर एक्स वाई इज लेस देन 1. ये तीनों कंडीशंस या ये कंडीशन आपको ये प्रूव करना है. अब हम यहाँ पे क्या करेंगे, ये देखो मुझे फॉर्मूला पता है. साइन 2 थीटा का मेरा फॉर्मूला होता है 2 टैन थीटा अपॉन 1 प्लस टैन स्क्वायर थीटा. कॉस 2 थीटा का फॉर्मूला होता है मेरा 1 माइनस टैन स्क्वायर थीटा अपॉन 1 प्लस टैन स्क्वायर थीटा. यहाँ पे दोनों वेरिएबल्स मेरे अलग अलग हैं, यहाँ पे एक्स की टर्म्स में है, यहाँ पे वाई की टर्म्स में है, लेकिन चाहिए मुझे दोनों टैन की फॉर्म में. तो मैं क्या करूंगी, इनको अलग अलग एंगल के साथ पुट कर लूंगी. पुट एक्स इज इक्वल टू टैन थीटा एंड वाई इज इक्वल टू, सपोज मैंने ले लिया टैन फाइव. तो अब जो है ये मेरे जहां जहां एक्स यूज हो रहा है वहां वहां मैं टैन थीटा से रिप्लेस करूंगी, जहां जहां मेरा वाई यूज हो रहा है वहां वहां मैं टैन फाइव से रिप्लेस करूंगी. तो लेफ्ट हैंड साइड हम लेके चल रहे हैं. So this is tan of half sine inverse 2 x की जगह tan theta 1 plus tan square theta plus half of cos inverse 1 minus y की जगह tan phi. तो square था तो square की form में ले लिया हमने, तो ये आ गया हमारे पास. अब यहाँ पे हम रिप्लेसमेंट कर देंगे साइन 2 थीटा से, यहाँ पे रिप्लेसमेंट कर देंगे हम कॉस 2 फाइ. सो टेन ऑफ हाफ साइन इनवर्स ये रिप्लेस हो जाएगा साइन 2 थीटा से प्लस हाफ ऑफ कॉस इनवर्स ये रिप्लेस हो जाएगा कॉस 2 थीटा से. अब अगेन साइन इनवर्स ऑफ साइन 2 थीटा कॉस इनवर्स ऑफ कॉस 2 थीटा. तो इनवर्स और जो विदाउट इनवर्स वाली टर्म्स हैं वो हम कैंसिल आउट कर देंगे. शो नहीं करना कटिंग करके, ये चीज मैं आपको बार बार कह रही हूँ. ये दोनों रिमूव होके 2 थीटा और अगेन यहाँ 5 ये रिमूव होके दिस इज 2 5. ये 2 और ये 2 भी आपका कैंसिल आउट हो गया. सो दिस इज tan ऑफ थीटा प्लस. अब यहाँ पे हम क्या करेंगे, tan of a plus b वाला फॉर्मूला यूज कर लेंगे. तो दिस इज tan a plus tan b upon 1 minus tan a tan b. अब tan theta क्या था आपका x, tan phi क्या था आपका y, तो रिप्लेसमेंट कर दो. दिस इज इक्वल टू x plus y upon 1 minus x y.
सो ये आपकी RHS आ गई, तो यही चीज जो है वो हमें प्रूव करनी थी। अब यहाँ पे देखो एक चीज का ध्यान दो कि मैं इंटरवल मेंशन नहीं कर रही हूँ, ये चीज स्टार्टिंग में बस हमें गिवन थी, तो दिस इज अंडरस्टूड कि हम प्रिंसिपल वैल्यू ब्रांच के साथ लेके इसको डील कर रहे हैं। तो जहां पे भी इंटरवल आपको पहले भी मैंने बताया था मेंशन नहीं है, तो इट मींस कि वी आर डीलिंग विद द प्रिंसिपल वैल्यू ब्रांच। अब क्वेश्चन नंबर 14, ये 1 मार्क में आ जाता है आपका, दिस इज एन इम्पॉर्टेंट क्वेश्चन। दिस इज साइन ऑफ साइन इनवर्स 1/5 प्लस cos inverse x is equal to 1। अगर मैं इन दोनों को प्री मल्टीप्लाई करती हूँ साइन इनवर्स के साथ, तो साइन और साइन इनवर्स कैंसिल आउट हो जाएगा, इधर मेरे पास रह जाएगा साइन इनवर्स 1/5 प्लस cos inverse x is equal to साइन इनवर्स 1। साइन इनवर्स 1 मेरा क्या होता है, दैट इज पाई बाई 2। तो इट मीन्स कि साइन इनवर्स 1/5 प्लस कॉस इनवर्स एक्स की वैल्यू, इनका जो सम टोटल मुझे चाहिए दैट शुड बी इक्वल टू पाई बाई 2। और हमने फॉर्मूला किया हुआ है साइन इनवर्स एक्स प्लस कॉस इनवर्स एक्स, जब एक्स की वैल्यूज सेम होती हैं तो साइन इनवर्स प्लस कॉस इनवर्स इज इक्वल टू पाई बाई 2। तो यहाँ पे एक्स की वैल्यू इसकी वाली मुझे गिवन है, तो इट मीन्स अगर ये वाला एक्स भी 1/5 होगा देन ये मेरा फॉर्मूला बन रहा है साइन इनवर्स एक्स प्लस कॉस इनवर्स एक्स इज इक्वल टू पाई बाई 2। तो इसका मतलब एक्स शुड बी इक्वल टू 1/5। ये आपका 1 मार्क क्वेश्चन है, तो आपको ये बस ध्यान रखना है कि जो वैल्यू यहाँ की आएगी वो ये वाली आएगी, अगर यहाँ पे इसका इनवर्स लेके आपका इक्वल टू पाई बाई 2 आता है। जरूरी नहीं है कि ये इसी वैल्यू के साथ आएगा, दीज वैल्यूज कैन चेंज। नाउ द नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 15, ये थोड़ा सा आपका अब हो नहीं पाएगा, आई थिंक आई एम हैविंग 2 मिनट्स मोर, तो वी विल डिस्कस दिस टुमारो। इन बिटवीन मैं आपको हिंट दे देती हूँ, आप इसको ट्राई कर सकते हो। टैन इनवर्स एक्स माइनस 1 अपॉन एक्स माइनस 2 प्लस टैन इनवर्स एक्स प्लस 1 अपॉन एक्स प्लस 2 में आपने टैन इनवर्स एक्स प्लस वाई अपॉन 1 माइनस एक्स वाई वाला फॉर्मूला जो है वो यूज करना है। देन इसको सिंप्लीफाई कर लेना, आपकी जो है एक्स की टर्म्स में एक इक्वेशन बन जाएगी, क्वाड्रेटिक इक्वेशन बनेगी, तो वहां से उसको सिंप्लीफाई करके आपके पास एक्स की वैल्यू आ जाएगी। आपने फॉर्मूला यूज करना है लेफ्ट हैंड साइड पे टैन इनवर्स एक्स प्लस टैन इनवर्स वाई वाला जो आपका बुक में गिवन है, वो वाला फॉर्मूला आप यूज करोगे। और साथ में कंडीशन मेंशन कर देना कि जो प्रोडक्ट है टैन इनवर्स के साथ फर्स्ट वाली टर्म के साथ जो एंगल गिवन है और जो सेकंड वाली टर्म के साथ आपको एंगल नहीं है, दिस इज अ वैल्यू, जो ये वैल्यूज गिवन है इनका प्रोडक्ट इज लेस देन 1। तो दिस यू विल डू योरसेल्फ। क्वेश्चन नंबर 15 ट्राई कर लेना, नहीं हुआ तो वी विल डिस्कस टुमारो। अगेन क्वेश्चन नंबर 16 इज योर होमवर्क पार्ट एंड क्वेश्चन नंबर 17 एंड क्वेश्चन नंबर 18 ये आपके होमवर्क पार्ट्स हैं, जो नहीं होंगे दैट वी विल डिस्कस टुमारो, क्योंकि आगे वाले क्वेश्चंस जो हैं ये आपके इजी हैं। जैसे आपका क्वेश्चन नंबर 18 में आपको गिवन है साइन इनवर्स 3/5 प्लस कॉट इनवर्स 3/2, तो आपने क्या करना है यहाँ पे इनको कन्वर्ट कर लेना है बाहर, क्योंकि टेन है तो साइन इनवर्स और कॉट इनवर्स को दोनों को टेन की टर्म्स में कन्वर्ट कर लेना। कन्वर्ट करने के लिए जो मैंने आपको कल रिलेशन दिखाया था कि साइन इनवर्स हमें पता है दैट इज पी बाई एच, दिस इज इक्वल टू टेन इनवर्स पी बाई बी, और दिस इज इक्वल टू कॉट में अगर आपको गिवन होता है तो वो किस फॉर्म में गिवन होता है, बी बाई पी की फॉर्म में गिवन होता है। तो ये वाले जो रिलेशन है 6 आपको मैंने लिखवाए थे, तो इनको यूज करके आपने साइन इनवर्स 3/5 को भी टेन में कन्वर्ट कर लेना है टेन इनवर्स में, और कॉट इनवर्स वाली टर्म को भी टेन इनवर्स में कन्वर्ट कर लेना है, फिर टेन इनवर्स एक्स प्लस टेन इनवर्स वाई का फॉर्मूला लगाओगे एंड देन यू विल गेट योर आंसर। तो दिस अगेन यू विल ट्राई टू डू योर सेल्फ। बाकी जो आपके होमवर्क पार्ट्स जो मैंने आपको स्पेसिफिकली गिवन है, मतलब जो मैंने कहा है कि ये आपने करने हैं, बिकॉज दैट टाइप ऑलरेडी वी हैव डिस्कस, तो यू विल बी एबल टू डू दैट। ये जो मैंने कहा है कि ट्राई कर लेना, ये नहीं हुए तो ऑब्वियसली आई विल डिस्कस इन द क्लास। इफ एनी डाउट इज देयर इन टूडेज लेक्चर यू कैन अनम्यूट योर सेल्फ एंड यू कैन आस्क योर डाउट, अदरवाइज योर टाइम इज ओवर, सो आई विल एंड द मीटिंग। इफ Anyone is having any doubt, you can unmute and you can ask. Okay, then I'm ending the meeting. Thank you. Have a nice day.